बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 साल से कम अफराद मेरी वीडियो से दूर रहें, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। सो गाइस, दिस इज़ असले वाली सरकार। टुडे आई शो यू हाउ टू रिमूव फायर पिन एंड एडजेक्टर ऑफ टी स्मॉल टीटी पिस्टल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहले आपने पिस्टल अच्छी तरह खोल लेना है। अच्छी तरह खोलने के बाद अगर आपको खोलने का तरीका नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस में आपको खोलने का तरीका भी सारा कुछ मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, या कोई मतलब इतना कोई राज नहीं है कि ये एडजेक्टर और फायर पिन बहुत मुश्किल काम है। गाइस, ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके रिजेक्टर का स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, फायर पिन का स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, तो वो आप अपने घर में भी बदल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी आर्मोरर शॉप पे, असले वाली दुकान से स्प्रिंग और रिजेक्टर स्प्रिंग मिल जाएगा। कॉस्टली मिले या जैसे भी मिले वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अदर नेल कील की ज़रूरत है, और उसके बाद किसी चीज़ की या फ्लास ले लें या कोई भी चीज़ ले लें जिसे आप हिट कर सकें, ठीक है। तो गाइस, ये इसकी पिन है, ये फायर पिन की पिन है ये। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे नीचे उंगली रख लें और ऊपर आप ऐसे पकड़ लें, ऐसे, ये देखें, ऐसे रख के किसी चीज़ के साथ आप इधर से हिट करेंगे। एक साइड से आप हिट करेंगे और दूसरी साइड से पिन बाहर आती जाएगी। आई शो यू। पिन बाहर आती, ये पिन आपने संभाल के रखनी है। अगर ये आपसे गुम हो जाती है तो ये आपके घर में आपसे नहीं बनेगी, ठीक है। इसको आपने खींचना, खींचने के बाद फौरन ये फायर पिन बाहर आ गई। चेक दिस, फायर पिन बाहर आ गई। फायर पिन बाहर आने के बाद आप इसके साथ ये स्प्रिंग इसका बाहर निकाल सकते हैं। ये ले, ये इसका। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि फायर पिन का स्प्रिंग बैठ जाता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रस्ट, इसके अंदर जंगाल, रस्ट कह लें, जंगाल कह लें, जो भी डस्ट या फायर गोली का बरूद ही इतना जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आगे फंस जाती है, स्टक हो जाती है। तो आप समझते हैं कि आपके पिस्टल की फायर पिन टूट गई है, ख़राब हो गई है, या वट एवर जो भी है। तो आप इस चीज़ की घर में भी तसल्ली कर सकते हैं कि आपके पिस्टल की फायर पिन टूटी है, रिजेक्टर टूटा है, नहीं टूटा, वो आप तसल्ली कर लें। अगर स्प्रिंग का मसला है तो वो आप घर में भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, तो अब मैं आपको इसके रिजेक्टर निकालने का तरीका बताऊंगा। ये रिजेक्टर है और ये इसका एक कील है, ठीक है। इसको भी वैसे ही अंदर वाली साइड पे ये देखें, ये चीज़, ये इसकी पिन निकालेंगे, रिजेक्टर बाहर आ जाएगा। इसको भी आप ऐसे रखेंगे, रखने के बाद ऊपर से किसी चीज़ के साथ आप इसको किसी चीज़ के साथ ऊपर से ये देखें, ये इसकी पिन बाहर आ जाएगी। जब ये इसकी पिन आएगी, इसको भी आपने संभाल के रख लेना है। संभाल के रखने के बाद इसके आगे आपने थंब रख लेना है, या इसको सिर्फ टेक देनी है आपने। टेक देंगे और इसको बाहर निकालेंगे, आपका एडजेक्टर भी बाहर आ जाएगा। ये ले, ये आपके पिस्टल का एडजेक्टर बाहर आ गया। तो गाइस, ये देखें, ये आपके पिस्टल का एडजेक्टर बाहर आ गया।
कभी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पिस्टल का एडजेक्टर या फायर पिन ठीक है, मतलब ख़राब तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, तो उसके लिए क्या आपको ये खोल के ये इसका आगे से जो है इसका नोक जो मतलब हीट करती है, जो इसकी आगे से पिन है उसको आगे से और पीछे से आपको तसल्ली कर लें कि आपकी पिस्टल की फायर पिन या एडजेक्टर ठीक है कि नहीं ठीक। तो एडजेक्टर का जो आगे से जो मेन है वो ये चीज़ है, ये चीज़ गोली को बाहर खींचती है, सिक्का बाहर खींचती है, खोखा कह लें, शेल कह लें, होल कह लें, जो भी है वो इससे ये चीज़ बाहर खींचती है। तो आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि आपका मतलब ये बाहर आता है, ये आगे से इसका मुंह ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, अगर खुदा ना खासा ख़राब है, टूटा हुआ है, तो आप किसी भी असला शॉप पे चले जाएं, वहाँ से आपको 30 बोर की तैयार फायर पिन, ठीक है, 30 बोर का तैयार रिजेक्टर, फायर पिन का स्प्रिंग और इसके बाद रिजेक्टर का स्प्रिंग, ये आपको किसी भी असला शॉप पे आप चले जाएं आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बस हल्की फुल्की सेटिंग करने की ज़रूरत है, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो गाइस अब इसको मैं आपको बंद करने का तरीका बता देता हूँ। आपने एडजेक्टर पकड़ना है, ये अपना थंब आपने यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे ये देखें, ये आप डायरेक्टली रखेंगे ऊपर तो ये नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। इसको आपने ये वे है, इसका ये तरीका है, ये देखें, इसको आप ये आगे ये देखें ऐसे, और ये चीज़, ये चीज़। अब आपने इसके अंदर अंगूठे से इसको अंदर को दबा देना है, ये इसका जो होल है वो बिल्कुल सीधा हो गया है, ये देखें, ये चीज़ देखें। जब सीधा हो गया आप इस चीज़ की तसल्ली कर लें, तसल्ली करने के बाद आप इसकी पिन जो है वो अंदर डाल दें, अंदर डालने के बाद आप किसी चीज़ से हिट कर दें और ये पिन इसकी लग गई। जब पिन लग गई है तो आपने इसको ऊपर से किसी चीज़ के साथ लगा देना है, फिट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। फिट करने के बाद अब आपने आ जाना है फायर पिन की तरफ, फायर पिन का स्प्रिंग और ये इसके इसको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद इसको इसके अंदर इस तरह से डालना है कि ये जो इसका ये हिस्सा है, ये होल वाला हिस्सा है, वो आपका इस जगह पे ऊपर आए, लाइक डैट, लाइक डैट। चेक दिस, ये आपने ऐसे डाल लिया है। डालने के बाद आपने इसको अपने नेल से या किसी भी चीज़ से आपने दबा लेना है। फिर इस चीज़ का आपने देखना है कि इसको किसी भी बारीक चीज़ के साथ आप इसका जो होल है वो उसको बिल्कुल अंदर से क्लियर करें कि आपकी जो पिन आप डालेंगे वो अंदर चली जाए। तो वो पिन आपको सीधी करने के लिए आप किसी भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आप इसकी पिन अंदर से सीधी कर लें। जैसा कि मैंने तो डाली है फायर पिन, तो पिन बिल्कुल सीधी है, ये देखें ये चीज़। और अब इसको इस पर हिट कर दें, ठीक है। जब आप इसको हिट करेंगे ये चीज़, पिन डालने के बाद आप इस चीज़ को चेक कर लें, इनको उसकी जगह पे अच्छी तरह बिठा लें। बिठाने के बाद आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं, ये देखें, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ दबा के चेक कर लें, लाइक डैट, ठीक है। और आगे से भी चेक कर लें ये चीज़, ये देखें, मतलब आपकी फायर पिन आगे से बाहर आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, और ये देखें कितनी आ रही। इसका ये मतलब है कि आपकी फायर पिन बिल्कुल ओके है। और उसके बाद अगर आपने एडजेक्टर चेक करना है तो आप इसका एडजेक्टर भी ऐसे इसको करके इसको आगे से दबा के चेक कर सकते हैं कि आपका एडजेक्टर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ से ये देखें, ये देखें, ये इसके बाद आपने इसको बंद कर लेना है। बंद करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। सो गाइस
مزید پسٹلز کے بارے میں، ویپن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں اور کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔